मैं प्रिया आपके साथ। गुजरात एटीएस द्वारा शनिवार को पकड़े गए प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल के 5 आतंकवादी गुजरात में 26/11 हमले जैसी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। सूरत से गिरफ्तार महिला आतंकवादी सुमेरा बानू ने खुलासा किया कि उसे सूरत कोर्ट में आत्मघाती हमला करने का आदेश मिला था। सुमेरा बानू ने बताया कि हमारे मालिकों से मिले फरमान के मुताबिक मैंने सूरत की अदालत में हमले की तैयारी शुरू की थी, रेकी भी कर ली थी, बस कमांडर के आदेश का इंतजार था। श्रीनगर के चारों आतंकी 10वीं और 12वीं कक्षा तक ही पढ़े हैं, लेकिन उन्हें आतंकी मॉड्यूल से जुड़ने के बाद क्लाउड का इस्तेमाल, मोबाइल फोन का बिना सिम कार्ड के इस्तेमाल, हमले में मारे जाने पर पूरा बायोडेटा फोटो सहित शेयर करने के लिए तैयार करने की ट्रेनिंग दी गई थी। पोरबंदर सूरत से पकड़े गए आतंकियों के साथी जुबेर अहमद मुंशी नाम के छठे आतंकी को गुजरात एटीएस ने कश्मीर से गिरफ्तार किया है। उसे ट्रांजिट रिमांड पर गुजरात लाया जा रहा है। जांच एजेंसियां इन आतंकवादियों को पनाह देने और मदद करने वालों की पहचान करने और तलाश में जुटी है। गुजरात पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने 10 जून को पोरबंदर से श्रीनगर के 4 युवकों और सूरत की एक महिला को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक विदेशी नागरिक था। एटीएस सूत्रों के मुताबिक इन सभी का अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन आईएसआईएस से लिंक था। महिला के पास से 4 मोबाइल और अन्य डिजिटल डिवाइसेस भी बरामद किए गए थे। गुजरात एटीएस के आईजी दीपेन भद्रन ने बताया था कि गिरफ्तार 5 शख्स आतंकी संगठन आईएसआईएस खुरासान के मॉड्यूल का हिस्सा है। ये पिछले 1 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे और आईएसआईएस में शामिल होने के लिए देश से भागने की योजना बना रहे थे। ये सभी आईएसआईएस के मॉड्यूल पर काम करते हुए सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का काम कर रहे थे। साथ ही गुजरात से जुड़ी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन विदेश भेज रहे थे। एटीएस पिछले कई दिनों से पोरबंदर और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इसी ऑपरेशन के तहत इन 5 की गिरफ्तारी की गई है।